Sare ga ma pa dha ni sa. Sa ni tha pa ma ga re sa. ये सात स्वर सृजन करते हैं संगीत का. भावना, ये बताइए, संगीत मनोरंजन है? बिल्कुल है. संगीत मेडिसिन है? ये रिसर्च का विषय है और इसी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का. हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शहजाद आसिम, आपका स्वागत है. आप म्यूजिक साइंटिस्ट हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से आप हैं. नमस्कार, आपका स्वागत है. साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर आयुष अग्रवाल का. नमस्कार, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एम्स नई दिल्ली से. तो डॉक्टर शहजाद, सितंबर 2024 में आप जर्मनी बर्लिन में थे जी. और वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसका विषय था म्यूजिक एज मेडिसिन जी. बड़ा ऑनर था कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जी. क्या आउटकम्स रहे? देखिए, एज ए एंटरटेनमेंट अगर हम सोचते हैं तो वो अलग विषय है, लेकिन मेडिसिनल पार्ट जो इसका है, दैट्स एन हैव एन इम्पैक्ट. और इसकी बहुत सारे एविडेंस भी है. अभी तक हम सुनते आए हैं कि म्यूज़िक मेसमराइज करता है, म्यूज़िक हमें बहुत सारी मतलब हेल्प करता है, एक इसका एक इम्पैक्ट है. बट उसके एविडेंस को सामने लाना, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है. और इस चीज़ पे हम 10-15 सालों से लगे हैं. एज ए साइंटिस्ट मैं इस पे काम कर रहा हूँ. और एक स्पेसिफिक म्यूज़िक, इसको जिसको हम टेलर्ड म्यूज़िक कहते हैं, उसका कौन सा इम्पैक्ट है और किस तरीके का इम्पैक्ट है, किस लो पे है, ब्रेन के किस लो पे है. जैसे डिफरेंट म्यूज़िक हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ब्रेन्स. सो इट्स ए, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. इस चीज़ को किस तरीके से हम क्लेरिफाई करें साइंटिफिकली, वो हमने वहाँ पे कर दिया और वी गॉट मच अप्रिसिएशन देयर एंड आई एम हैप्पी जी. जी डॉक्टर आयुष, न्यूरोलॉजी क्या कहती है म्यूज़िक को लेकर? न्यूरोलॉजी ये कहती है कि म्यूज़िक का, जैसे डॉक्टर शहजाद ने बोला, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं. और इस न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अन्य विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रोक, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़, एपिलेप्सी, इन सब में पाया गया है कि दवाओं के ऊपर इसका एडिशनल बेनिफिट होता है, स्पेशली रिहैबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी विद मेडिसिंस वी क्योर, बट रिहैबिलिटेशन, जो क्लासिकली कहते हैं फिजियोथेरेपी, जैसे स्ट्रोक होने के बाद आपका एक अंग कमज़ोर हो गया, तो उसमें आप कहते हैं उस अंग का एक्सरसाइज करिए, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं जी. तो उसी प्रकार से रिहैबिलिटेशन म्यूजिक के थ्रू कराया गया जी. में ओवर एंड अबव नॉर्मल रिहैबिलिटेशन एंड नॉर्मल मेडिकेशन में एडिशनल बेनिफिट पाया जी, गया. यानी म्यूजिक को हम उपचार शक्ति के रूप में भी देखें, चिकित्सा के लिए भी देखें. तो डॉक्टर शहजाद, म्यूजिक में हम लोग गाने सुनते हैं, तो क्या अपने आप उपचार हो रहा है या फिर ये कोई स्पेसिफिक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन सुननी होंगी? देखिए, म्यूज़िक ऑल टाइम आपको मेसमराइज नहीं करता है, इट कैन प्रोवोक यू समटाइम्स. सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इट. हम क्वांटम लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं. म्यूज़िक की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर जो है, न्यूरल ऑसिलेशंस जो है, उसके साथ जब मॉड्यूलेशन उस काम में जाता है तो हमें एक फीडबैक, वहाँ पे एक स्टिमुलेटिंग एक फैक्टर हमारे सामने आता, उसको हम फिर मेजर करके हमें ये पता चल जाता है कि इसका किस साइकेटिक डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ इम्पैक्ट है. इस वक्त हम करंटली वी आर वर्किंग ऑन द डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स, और उसके जो स्पेसिफिक लूप्स हमने, वो हमने आइडेंटिफाई किया, वी हैव मेड ए मॉडल ऑफ दिस. तो वेरी सून वी आर ओपनिंग दैट. बट डॉक्टर आयुष, फिलहाल जो आप डिमेंशिया का पेशेंट अगर आप देखते हैं और आपने अगर उसको म्यूजिक से एक्सपोज किया, क्या असर देखा आपने? तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम किसी भी साउंड को पहचानते कैसे हैं. हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जहाँ पे साउंड आती है, रिकग्नाइज करी जाती है, कान के थ्रू जाके एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन गेट स्टिम्युलेटेड. उस साउंड का क्या अर्थ है, उसके लिए उसके बगल में एक और हिस्सा होता है जो कि आप उससे समझ पाते हो कि ये क्या बोला गया, जो कि आप ऑल ओवर योर लाइफ ग्रेजुअली सीखते हैं. जब एक बार वो आप समझ जाओगे तो देन, एज डॉक्टर शहजाद सेड, उसके डिफरेंट इमोशंस आप फील करेंगे, विच इज़ अनदर एरिया ऑफ द ब्रेन. फिर अगर आप कुछ एंटिसिपेट करोगे, अगर आपको गाना पता है या आपको लाइंस पता हैं, तो आप रिमेंबर करोगे, वो आपकी मेमोरी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी, एंड देन यू विल एंटिसिपेट, व्हिच इज अनदर एरिया ऑफ द ब्रेन. यू नो, नेक्स्ट एंटिसिपेशन बोथ ऑफ अस हैव इज दैट वी हैव गॉट टू सिंगर्स विद अस, राइट? तो कौन सा म्यूजिक सुना रहे हैं ताकि उसका असर भी हम देख लें? डॉक्टर शहजाद, देखिए, वक्त की कमी है तो दो लाइनें तो सुनानी पड़ेगी यहाँ पे. सुहानी चांदनी रातें
हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें, हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देती। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, ये जो म्यूजिक का असर पड़ता है, ये साउंड का, ध्वनि का असर है या शब्दों का या दोनों का? देखिए बेसिकली प्राइमरी लेवल पे तो ये साउंड ही है, एक टोन ही है, कंटेंट चेंज भी हो सकता है, बट टोन हैज अ वैल्यू। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका एक असर पड़ता है एक स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे मेमोरी की बात हम छेड़ते हैं, मेमोरी की हमने मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, देयर कम्स इन एपिसोडिक मेमोरी। इसका डायरेक्ट असर जो है एपिसोडिक मेमोरी पे जाता है, और वहाँ पे इसको हम कहते हैं रिटेंशन मोड या रिट्रीव मोड, जब ये उसको स्टिमुलेट करती है। ये सामने जैसे अभी मैंने गाना गाया, हो सकता है आपके किसी एपिसोडिक मेमोरी में इसने टच किया हो और आप पहुंच गए उधर, और उसमें स्पेसिफिक वो न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट हुआ हो, एकदम वही फील आ जाता है, एकदम वही होता है। इसका एक मतलब था, एक मैकेनिज्म है, तो वो हम सामने बोलेंगे। डॉक्टर आयुष, अगर डिप्रेशन के पेशेंट्स को लें तो म्यूजिक थेरेपी उनके लिए क्या सच में कारगर साबित होती है? अकॉर्डिंग टू स्टडीज यस, एंड हमने हमारे मरीजों में भी ये पाया है, क्योंकि म्यूजिक का दो तरीके से काम होता है। वन इज जो हम सबको पता है कि एक आपका मूड को एलिवेट करता है, स्टेबलाइज करता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, अगर आप कोई एक मोटिवेशनल या कोई एक खुशी वाला गाना सुनते हैं, धुन सुनते हैं, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते ही, घर में आते यूजुअली कुछ ना कुछ ऑन कर देते हैं, अपने म्यूजिक पसंदीदा चला देते हैं। तो वो एक पार्ट साइकोलॉजिकल हो गया। ऐसा ब्रेन्स में भी पाया गया है, हमारी खुशी का हार्मोन डोपामीन कहलाता है, तो म्यूजिक सुनने से ऐसा कार्यगत किया गया है कि डोपामीन का सिक्रीशन बढ़ता है। डोपामीन के सिक्रीशन के बढ़ने से दो प्रकार के हमारे यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक एक सिंपथेटिक। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है, जिससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हार्मोन के लेवल कम हो जाते हैं। तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, डोपामीन बढ़ने से आपके अंदर एक खुशी वाली फीलिंग भी आने लगती है। तो न्यूरोलॉजिकली इट प्रमोट्स वेलबींग एंड खुशी। आज़िम, जब आप फिर बर्लिन जर्मनी में थे पिछले महीने, क्या इस तरह की बातें हुई, किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहा? देखिए पहले तो मेरा ये अप्रिहेंशन था, जिस रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं तो उस तरीके का काम क्या दुनिया में हो रहा है उस लेवल पे जो कि जहाँ हम पहुँचे हैं। बेसिकली वी हैव अ रिच म्यूजिक इन अवर कंट्री, और हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन साइंटिफिकली उसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो हमने रिसर्च की मतलब कुछ आउटपुट फाइंडिंग सामने रखे, तो जब मैंने वहाँ पे ये देखा, बहुत सारा काम मैंने, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन एक तरीके की मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम पहुँचे हैं, वहाँ अभी कोई नहीं। यानी इंडिया लीड कर सकता है म्यूजिक। यस डेफिनेटली, एंड वेरी सून वी आर हैविंग द मीटिंग इन दिस कंसर्न नाउ विद हेल्थ मिनिस्ट्री, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस लेवल पर। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इंडियन हेल्थ सिस्टम में, म्यूजिक एज मेडिसिन को इम्प्लीमेंट कैसे? देखिए म्यूजिक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं, डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन की बात चल रही है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत इग्नोर करते हैं, जो जिस तरीके का दिन भर हमारा साउंड जो है ना इम्पैक्ट करता रहता है ब्रेन पे, इट क्रिएट्स एन एक सिचुएशन अंदर ये एस्टेब्लिश करता है, जो हमें फिर फील करता है कि डिप्रेशन। मैं आपको अभी समझाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आप साउंड दिन भर सुनते हैं वो आपके लिए ब्रेन के लिए अच्छा है। तो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो न्यूरल जो नेटवर्किंग है उसमें इम्बेलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट वो लीड करता है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। उसकी एक फ्लक्चुएशन लेवल होती है, वो बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम होकर उसमें हम बता देंगे कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ता है और कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है। ज़रूरी है कि आपको वही साउंड सुनना पड़ेगा जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। सो ये बहुत बड़ी बात है, और आप इन मेंटल डिसऑर्डर से बहुत हद तक बच सकते हैं। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लेवल पे कि ब्रेन स्पेक्ट्रम जो है किस हद तक जा सकते हैं, और आपके लिए कौन सा साउंड, कौन सा म्यूजिक अच्छा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताएंगे कि आपके लिए कौन सा साउंड अच्छा है। तो ये जो हम सुसाइडल अटेम्प्ट्स के इतने केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं,
तो कहा जा सकता है कि अगर म्यूजिक थेरेपी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरीके के केसेस को कम किया जा सकता है? उतना आसान नहीं है ये बोलना कि बस म्यूजिक थेरेपी से काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, म्यूजिक थेरेपी स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं है। इट इज़ समथिंग जो कि हम बाकी उपचारों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अगेन ये एक रिहैबिलिटेशन का सोर्स है। इट इज़ नॉट अ प्राइमरी ट्रीटमेंट पर से। यानी अगर किसी को इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है कि उसे सुइसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से केवल म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, एक साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ओवर एंड अबव दैट, अगर केवल ट्रीटमेंट से 50% आराम होता है तो साथ में म्यूजिक थेरेपी ऐड करने से शायद 60% हो जाए। डॉक्टर आयुष, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर की बात होती है, तो डिवाइस आ गई है ब्रेन ट्रांसमीटर की भी, कि स्टिमुलेट किया जाता है, क्या म्यूजिक लगभग वही काम कर रहा है? इस समय तो नहीं, जैसे डॉक्टर शहजाद कह रहे हैं, हो सकता है रिसर्च इस लेवल तक पहुंच जाए कि एक टाइम के बाद ऐसा कर सके, लेकिन अभी से म्यूजिक थेरेपी को न्यूरोलॉजिकल साइंसेस में तो इस्तेमाल करा जा रहा है। जैसे कि स्ट्रोक में कई बार लोगों का आवाज़ चला जाता है, बिकॉज दिमाग में जो बोलने वाला हिस्सा है वहाँ पे लकवे की वजह से कमी हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को बहुत रूटीनली हम अपने आउट पेशेंट क्लिनिक में बोलते हैं कि ईयरफोन से जो भी पसंद है, गाना, भजन, कुछ भी वो सुनाएं, और उन चैंट, मंत्र, कुछ भी जो भी मरीज को बीमार होने से पहले पसंद था वो सुनाएं, और उसे एनकरेज करें कि वो चीज साथ में सुनते सुनते बोलें भी, क्योंकि उससे जो अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं, एक इंट्रिंसिकली आप उन्हें स्टिमुलेट कर रहे हो बोलने के लिए। यानी गाना सुनना भी है डॉक्टर साहब और गा भी सकते हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं आप म्यूजिक एज मेडिसिन, कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट हो सकता है? देखिए, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, ही इज़ राइट एट हिज पॉइंट, बट जो हम चाहते हैं, जिस तरीके का म्यूजिक इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं, देखिए अभी सुसाइड की बात हो रही थी, ये थॉट्स एस्टैब्लिश हो रहे थे ब्रेन में, और पेशेंट फिर समझ नहीं पा रहा कि वी कैन डू एनी डैम थिंग। लेकिन अर्ली डिटेक्शन पे, अगर हमारा डिसऑर्डर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, वी कैन रिकवर दिस, हम ये कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी फॉर दैट, जो इसके न्यूरल ऑसिलेशन को मॉड्यूलेट कर सकता है। बट अर्ली डिटेक्शन हमारे पास अभी नहीं है, जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिप्रेशन अभी हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं है, यू मे बी यू मे नॉट, इट्स ऑल एजम्पशन एज पर साइकेट्रीज कंसर्न, जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो स्टडीज हुई है, बट वो हम सिम्टम्स लेवल पर देखते हैं, बिहेवियर लेवल पर देख सकते हैं, और उसकी हमें उस तरीके से हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आने वाली जिस पर हम काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, कि उस पर जुड़ रहे हैं दुनिया भर से साइंसदान, जो साइंटिस्ट इस पर जुड़ रहे हैं, मे बी वेरी सून ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी और इंडिया को ही आएगी, और ये हम इससे काम कर सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इफ यू कैन हैव म्यूजिक एज मेडिसिन, मेनी पीपल विल से आई एम हैप्पी टू बी सिक समटाइम्स, मे बी प्रिवेंटिव ऑल्सो, इट विल हेल्प कि क्यूरेटिव नाउ। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर शहजाद आसिम आपका, डॉक्टर आयुष अग्रवाल आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।